गिलगित की हसीन वादियों में दो दिन गुजारने के बाद हमने अब रुख किया है पाकिस्तान के एक और बहुत ही खूबसूरत इलाके का, जहां हमारा पहला स्टॉप मुजफ्फराबाद है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुजफ्फराबाद, द कैपिटल सिटी ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। बिकॉज ऑफ इट्स सीनिक ब्यूटी, मुजफ्फराबाद रैंक्स अमंग सम टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ पाकिस्तान, जहां हर साल हजारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। ट्रायल्स पे जाने से पहले हमने यहाँ लोहार गली का स्टॉप ओवर किया एक छोटा। और कलंदर्स ने अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर होने वाले ट्रायल्स के साथ साथ इसी वेन्यू पे अपने राइजिंग स्टार टूर्नामेंट के भी कुछ मैचेस ऑर्गेनाइज कराए थे, जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा था। मस्त दमा दम लाहौर कलंदर दम दमा दम मस्त, शहर मुजफ्फराबाद असाना दम दमा दम मस्त। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप लोग लास्ट ईयर भी यहाँ पे आए थे ट्रायल्स लेने के लिए, कश्मीर के टैलेंट को आपने देखा, तो लास्ट ईयर का कैसा रिस्पांस था? ज़बरदस्त, क्योंकि आज तक 70 साल में यहाँ पे फोकस नहीं किया गया था, इसीलिए हमने पहले साल पंजाब फोकस किया, दूसरे साल हमने कश्मीर को शामिल किया और बहुत ज़्यादा लोग आए, बहुत शौक से आए। और यहाँ से सलमान इरशाद, जिस तरह से एक टैलेंटेड फास्ट बॉलर मिला, जो ऑस्ट्रेलिया गया, ट्रेंड हुआ, फिर PSL खेला, तो यही एक हमारा मकसद है। देखिए, ये प्रोग्राम जो है वो ड्राइव करता है लोगों के, बच्चों के कॉल्स, उनके इंटरेस्ट के ऊपर। कश्मीर से बहुत सारा हमें पुश किया गया, कॉल्स की गई, प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और आके यहाँ पे प्रोग्राम करें। यहाँ पे प्लेयर्स जो मैंने देखे, स्पिनर्स, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, 2-3 लेग स्पिनर नज़र आए, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर नज़र आए, तो अच्छे हैं, टैलेंटेड है, और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोकल प्लेयर्स को प्रायोरिटी दें। मैं पूरी दुनिया के ग्राउंड्स का, स्टेडियम्स का विजिट किया रहा, खेला रहा वहाँ पे। इस ग्राउंड को पाकिस्तान के ग्राउंड से कंपेयर करें और इंटरनेशनल ग्राउंड से कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ व्यूज़? व्यूज़ बहुत अच्छे, और क्योंकि मैं पहली दफ़ा आया हूँ स्टेडियम में, और ये कि स्कोर फैसिलिटेट किया जाए तो इंशाल्लाह ये यहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस भी हों और यहाँ पे फर्स्ट क्लास मैचेस भी होने चाहिए। आदि भाई से मेरी बात हो रही थी, ये लाहौर कलंदर के जो ऑनर है, वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह हमारी, मेरे ख्वाब है कि यहाँ पे इंशाल्लाह PSL के मैच कराएं। क्योंकि मेरा ये तीसरा साल लाहौर कलंदर के साथ, लास्ट टाइम यहाँ मुजफ्फराबाद में आए थे, इस दफ़ा ज़्यादा अच्छा टैलेंट आ रहा है लास्ट की नस्बत, क्योंकि लास्ट से पहला साल लोगों को पता नहीं था यहाँ पे कि क्या सिस्टम, लेकिन अब ज़्यादा बेहतर लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अभी हमने आधे घंटे में 20-25 बैट्समैन और बॉलर सेलेक्ट कर लिए। फिजिक देख के मैंने गेस किया कि दूर से एक्चुअली कि आप शायद एक फास्ट बॉलर हो, प्लीज़ टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। यस, मैं तकरीबन 6-7 साल से, मतलब क्रिकेट का मुझे सख्त जुनून था और मैंने स्टडीज़ भी अपने इसके लिए छोड़ी है, बिकॉज आई वांट टू बी अ फास्ट बॉलर। और मतलब मुझे सब मेरे दोस्तों ने कहा है कि यू आर माशाल्लाह टैलेंटेड एंड ऑल दैट, बट मैं मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है, क्योंकि मेरे फादर मतलब ज़्यादा स्ट्रिक करते, बाकी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है, एंड माई फैमिली सेड दैट गो एंड वी सपोर्ट यू एंड ट्रायल दो, तो इंशाल्लाह। लाहौर कलंदर का जितना शुक्रिया अदा किया जाए बहुत कम है। पहले तो हम लोग जो छोटे कस्बों के थे बाहर जाके वो ट्रायल वगैरह देते थे, अब इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि बाहर बड़े शहरों से लोग आके इधर छोटे कस्बों में जो है ट्रायल देते हैं। मुजफ्फराबाद का क्राउड अपना टाइम किल करने के लिए व्हाइल द वेट इन द क्यूज क्या करता है, आए देखते हैं। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, सारे के सारे आए जमी पे देखो तारे, रोशनी में हथौड़ा जम के, हाँ थोड़ा जम के खेलेंगे यार। क्राउड के शोर में हम पूरे जोर में तू जमीन को हिला दे। तलड़ियां दा सेहरा लगदा है वीरा सोना, मेरा सिर दियां सत लड़ियां, ओ सिर दियां सत लड़ियां, हर लड़ी विच रंग तेरा। क्या नाम है आपका? सुनीर अहमद कुरैशी।
आप किस चीज़ के ट्रायल्स देने आए हैं आज? बैट्समैन है, बैट्समैन। आपको पता है कि आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, आपके पास एक ऑल्टरनेट करियर है, अगर आपका आज ट्रायल्स में नहीं चांस बनता तो आप सिंगिंग को ज़रूर परसू करें। जी इंशाल्लाह ज़रूर, अगर चांस मिला तो ज़रूर करें। क्या नाम है आपका? असदुल्ला। असदुल्ला, आपको कभी किसी ने कहा है कि आपकी शक्ल एक इंटरनेशनल क्रिकेटर से मिलती है? कभी किसी ने, बहुत से लोगों ने कहा है, रुमान रईस की वो मुझे बता रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन अब अल्लाह करे कि हकीकत में वो मैं बन जाऊँ इंटरनेशनल का। एक स्पिनर से भी आपकी शक्ल मिलती है इंटरनेशनल, जो साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं? सही, वो तो आप ही बताएंगे कि वो कौन सा है। तो रुमान रईस से भी मिलती है और आपकी, आई थिंक आपकी शक्ल मिलती है इमरान ताहिर से भी, ये किसी ने कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया? पहले आप, पहले वो है कि आप मुझे बता रहे कि वो उसकी शक्ल मुझसे मिली। लाहौर कलंदर्स ने इस बार अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो एज लिमिट थी, एज ब्रैकेट था, उसको ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से यंग से प्लेयर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद, आप शॉर्ट लिस्ट भी हो? यस। अच्छा, आप बॉलिंग करते हो? लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। और आप फर्स्ट टाइम आए हो ट्रायल्स पे? फर्स्ट टाइम आए हो। मुजफ्फराबाद में रहते हो कि कहीं और से आए हो आप? मुजफ्फराबाद में, लोकल। और स्कूल में क्रिकेट खेलते हो? जी खेलते हैं। कैसी है स्कूल में आपकी क्रिकेटिंग फैसिलिटी? ग्राउंड है, कोई टीचर कोई कोच है जो आपको क्रिकेट सिखाता हो? इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, कोच भी नहीं, बस अपने ही खेलते हैं वहाँ पे। आपको पता है आपने बहुत बड़े बड़े और बहुत एक्सपीरियंस लड़कों को बीट करके आज ये बैंड पाया है? यस, बहुत एक्साइटेड। वेलकम टू लाहौर कलंदर्स माइनेट्स, जहाँ पे हम कुछ शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स को बुलाते हैं और असेस करते हैं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को। जैसा कि आप सब जानते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट में फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ टेक्निक और मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। इन माइनेट्स में हम कुछ शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स को बुलाते हैं, उनको देते हैं कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज और चैलेंजेस और असेस करते हैं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को। और यही करने इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुलेमान खान, जिन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग से जजेस को, हमारे कोचेस को बहुत इंप्रेस किया। देखते हैं कि मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। सुलेमान, आपके सामने ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रिड है, आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 33 तक इन नंबर्स को क्रॉस आउट करना है जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। सुलेमान रेडी हो? आपने 32 तक किया, आपने दो डिजिट्स मिस किए हैं 1 मिनट और 14 सेकंड में। क्या ख्याल है, इससे बेहतर नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हुए? नहीं, कंफ्यूज तो नहीं था, मगर थोड़ा जल्दी में देना। चलें अब बाकी कंटेस्टेंट्स को भी बुलाते हैं और देखते हैं आपने उनके अगेंस्ट कैसा परफॉर्म। अच्छा, आप हमारे साथ अब्दुल्ला हैं, ये चैलेंज लेंगे और देखते हैं कि ये पिछले कंटेस्टेंट को बीट कर सकते हैं कि नहीं। अब्दुल्ला रेडी हो? अब मेरे साथ वासिफ अली मौजूद हैं, इन्होंने भी अपनी जबरदस्त फास्ट बॉलिंग से हमारे कोचेस जजेस सबके दिल जीते हैं। वासिफ, आप अपनी स्पीड खुद शेयर करें, आपने कितने की, किस स्पीड की सबसे फास्टेस्ट बॉल कराई आज? मैंने 86.4 की है। इन्होंने 86.4 माइल्स पर आवर की स्पीड के हिसाब से आज बॉल कराई और हमारे जजेस बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे आना, इस पूरी गर्मी में पूरे दिन के ट्रायल्स कंडक्ट करना टोटली वर्थ इट रहा है उनके लिए, जब से ये इनको आज ये मिले हैं। अच्छा वासिफ, हमें ये बताएं कि आपकी रूटीन क्या, ट्रेन कैसे करते हैं आप अपने आप को? मेरे कुछ नहीं, बस रहता गाड़ी होता हूँ तो पटकी फुटकी प्रैक्टिस कर ली, तो रनिंग वगैरह कर ली, तो बस नेट कर लिया और कुछ भी नहीं। अब आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है लाहौर के अंदर, यहाँ आइए आपके अपने शहर मुजफ्फराबाद में और आपसे ट्रायल्स लिए, आपने माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म भी किया, आगे आप क्या एक्सपेक्ट करें, क्या सोच रखते हैं कि अब क्या होगा आपके साथ आगे? मैं ये कहता हूँ कि इतनी अच्छी फेंकी है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में खेल जाऊँगा आराम से इंशाल्लाह। मैंने 140 स्पीड मारी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत दूर से आया था, रात को इधर सीढ़ियाँ भी सो रहा था, मगर मैंने हिम्मत नहीं आई, मैंने अपनी कोशिश की 140 स्पीड मारी। आमिर, आपने कितने की क्लॉक किया बॉल?
83.4 miles per hour, that's amazing. और ये बताएं कि आप हैं कहाँ से, मुजफ्फराबाद से ही हैं कि आप भी कहीं से बाहर से आए हुए हैं? नहीं, मैं इस्लामाबाद से ट्रैवल करके आया था। मैंने सुना था कि लाहौर कलंदर्स बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम भी ट्राई करें, अपने आप को भी ट्राई करना चाहिए। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सीड हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। इनका ये बहुत अच्छा इवेंट है और बहुत अच्छा है यंगस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ़ कि अगर आप किसी बुराई में पढ़ते हो तो उससे बेहतर है कि आप स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएं, जो कि बहुत सी चीज़ों से हमें दूर कर देती है और मोटिवेट भी करती है, क्योंकि हम अपने जितने भी यंगस्टर्स इधर से ही जाते हैं, इसी प्लेटफॉर्म से जाते हैं। मुजफ्फराबाद का टैलेंट लगता है एक बार फिर हमारे जजेस को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गया है। बहुत अच्छे फास्ट बॉलर मिले और स्पिनर भी अच्छे हैं, इसमें अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है और काफ़ी तादाद में यहाँ पे आए हैं ट्रायल्स देने, तो बहुत अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, जैसे लास्ट ईयर हमने यहाँ पे ट्रायल लिए थे, बड़े अच्छे बॉलर्स थे, बैट्समैन भी थे, थोड़ा सा मैच्योर भी होगी क्योंकि लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम था इनका, सलमान जैसे बॉलर भी निकले। इस साल भी बड़ा टैलेंट देखने को मिला और इंशाल्लाह जो टीम बनाएगी बहुत अच्छी टीम होगी, कश्मीर का नाम रोशन। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर एक और बहुत ही खूबसूरत व्यूइंग पॉइंट मौजूद है जिसका नाम है डोमेल, जो बेसिकली एक जंक्शन पॉइंट है जहां पे दरियाए नीलम और दरियाए जेहलम मिलते हैं। ऐसी सौगात हैं जो आपको शायद दुनिया के किसी भी कोने में मिल तो जाएं, लेकिन यहाँ के जैसे कहीं और नहीं बन सकती। पहली तो श्रीनगर की पश्मीना शॉल्स और दूसरी मुजफ्फराबाद के कुलचे। वैसे तो कश्मीरी कुलचा आपको यहाँ मुजफ्फराबाद में बहुत आराम से मिल जाएगा, लेकिन हमें एक लोकल ने एडवाइस किया था और रेकमेंड किया था एक्चुअली कि ये बेकरी जो है ये यहाँ पे मुजफ्फराबाद में बहुत मशहूर और बहुत अच्छे कुलचे बनाती है, तो हम इसको फाइनली ढूंढते ढूंढाते यहाँ पहुँच गए हैं। मैदा डलता है और पानी, घी, नमक, सोडा इससे तैयार किए जाते हैं। इसमें जो मीठे कुलचे तैयार किए जाते हैं उसमें चीनी, अंडे और घी और सोडा डलता है, वो भी इसी से तैयार किए जाते हैं, मैदे से। कश्मीरी कुलचा यहाँ की खास चाय और कहवे के साथ साथ लोकल कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है।